Hello everyone, welcome back to Nirja Education. This is the first lecture of class 3rd subject science. Today we are going to discuss the first chapter from your science book and the name of the chapter is Living and Non-Living Things. Dear children, we see many different type of things around us, right? So some of them they are living and some of them are non-living. They are divided into टू ग्रुप्स. हमारे आसपास बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, राइट? तो उसमें वो सारी चीज़ों को दो डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज में डाला गया है. आधी जो है वो लिविंग है और जो बाकी है वो नॉन लिविंग है. ठीक है, देर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरी, वन इज लिविंग एंड अनदर वन इज नॉन लिविंग. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दोज थिंग्स. ओके, नाउ लेट्स सी वॉट कम्स इन लिविंग एंड वॉट कम्स इन नॉन लिविंग. तो लिविंग थिंग्स के अंदर प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ह्यूमन बींग्स, ये सब किस में आता है? लिविंग में. एंड वॉट कम्स इन नॉन लिविंग, तो लाइक टेबल, चेयर, बुक, ये सब चीज़ें कैसी है? नॉन लिविंग है. बट इन नॉन लिविंग सम ऑफ दैम आर natural non-living things and some of them are man-made non-living things. okay, तो man-made मतलब कि जो इंसानों ने बनाई है वो सारी चीज़ें किस में आएगी? non-living. but कैसा? so it is man-made non-living things like table, chair, book, then phone, these all are man-made non-living things. but for example sun, moon, clouds, mountains, these all are natural non-living things. ये हमने नहीं बनाया, ये इंसानों ने नहीं बनाया है, ये naturally बना हुआ है. but they are all non-living. they all are non-living. okay, so now we will discuss how we can differentiate non-living and living. इन दोनों के बीच में हम कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सा living है और कौन सा non-living है? so for that first we have to learn the features. okay, so now we will discuss about the features of living things. उसके characteristics पढ़ेंगे. so the first one is need living things, they need food. जो living things है उसको आप living कैसे कह सकते हो? तो first चीज़ क्यों, living things को खाना चाहिए, they need food. second living things breathe. जो living thing होती है वो सारी सांस ले सकती है, दे कैन ब्रीथ. थर्ड इज लिविंग थिंग्स कैन ग्रो. जो लिविंग थिंग है वो ग्रो हो सकती है. पहले अगर छोटी है तो फिर वो ग्रेजुअली टाइम टू टाइम वो बड़ी हो सकती है, ग्रो हो सकती है. देन लिविंग थिंग्स मूव. जो लिविंग थिंग है वो मूव कर सकती है, अपने आप को यहाँ से वहाँ हिला सकती है, मूव कर सकती है. देन लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस. लिविंग थिंग्स जो होती है वो रिप्रोड्यूस कर सकती है, एक में से दो ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स वो बना सकती है. देन लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू द चेंजेस इन द सराउंडिंग. तो जो लिविंग थिंग्स होती है वो सारी क्या करती है? रिस्पॉन्ड करती है. अगर उनके सराउंडिंग में कुछ चेंजेस है तो वो उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करेगी, तुरंत ही रिएक्ट करेगी. देन लिविंग थिंग्स डाई. तो लिविंग थिंग्स है वो मर भी सकती है, दे कैन डाई. लिविंग थिंग्स हैव ए लाइफ साइकिल. जो लिविंग थिंग्स होती है उनकी एक पर्टिकुलर लाइफ साइकिल होती है. लाइफ साइकिल मीन्स जैसे कि पहले हम छोटे होते हैं, फिर उससे थोड़े बड़े, फिर उससे बड़े, फिर एट दी एंड हम इसी तरह ग्रेजुअली बड़े होते होते लास्ट में बूढ़े हो जाते. तो इसको पूरी को क्या बोलते हैं? लाइफ साइकिल. ठीक है, मतलब डेथ एंड बर्थ और बर्थ एंड डेथ, ये इसके बीच के जो पूरा टाइम है उसको हम क्या कहेंगे? लाइफ साइकिल. तो लिविंग थिंग्स हैव ए लाइफ साइकिल. नाउ वी विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स इन डिटेल. सो सबसे पहले हम क्या पढ़ना है? लिविंग थिंग्स नीड फूड. नाउ वी विल डिस्कस दैट लिविंग थिंग्स नीड फूड. सो देर आर मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स, राइट? सो दे नीड फूड फॉर दी एनर्जी. हम खाना क्यों चाहिए? हमें एनर्जी के लिए. यस, सो
there are different type of animals, plants, they all need food. Some of the animals, they are dependent on plants. Kuch animals aise hote hai jo plants pe depend karte hai, wo sirf plants khate hai. Some of the animals, they are dependent on the flesh. Flesh means the meat of another animal, right? They are fully dependent on some other animals. And some of the animals, they are dependent on both. They eat plants and as well as they eat the meat or flesh of the other animal. So, the animals which are dependent on plants, they are known as herbivorous animals, okay? Jo animals plants khate hai, usko herbivorous animals kaha jata hai. The animals which eat flesh of other animals, they are known as carnivorous animals. Jo animals dusre animal ko khate hai, uska flesh khate hai, usko carnivorous animals kaha jata hai. And the animals which used to eat plant and flesh both, they are known as omnivorous animals. To jo animals plants bhi khate hai aur animals ko bhi khate hai, to use kya kaha jata hai? Omnivorous animals. For example, us human, we are omnivorous. Now plant also need food, right? But plants, they are not dependent on others. They prepare their own food by the process of photosynthesis. तो जो plants है उनको भी खाना चाहिए, पर वो उनका खाना खुद ही बनाते हैं through the process of photosynthesis. कुछ plants ऐसे है जो खुद से खाना नहीं बनाते, they are dependent on decaying material. Those type of plants are known as saprophytes, which are dependent on decaying material. Now second is, living things can breathe. So we all know that we all require air. Each and every living organism requires air, right? We need to breathe. Hum saans lete hai, to hume air ki zarurat hoti hai, right? So different animals have different organs to breathe. Like humans, right? They have lungs. Hamare andar lungs hai jiske through hum breathe karte hai. Now like fish, they used to breathe through their gills. जो fish है वो gills में से breathe करती है. You can see in this image, yes. These, you can see this inner part in the fish, these are the gills. The fish breathe through this gills. Then, for example, frog, they also breathe through their lungs. In water, frog use its moist skin for breathing. And on land, frog use its lungs for breathing. Now, what about plants? So, plants also breathe. There is a special structure that is known as stomata in plants. Through stomata, the plants breathe. It is present in the leaves. The structure stomata is present in the leaves. Now, the third one is, living things can grow. तो लिविंग थिंग्स होती है वो ग्रो करती है. फॉर एग्जाम्पल टेक आर सेल्फ, वेन वी वर स्मॉल किड, जब हम छोटे बच्चे थे, फिर ग्रेजुअली हम थोड़े बड़े हुए, फिर टीन एज, देन एडल्ट, फिर ऐसे करके हम लोग बूढ़े हो जाते हैं, राइट? सो दिस प्रोसेस यू कैन कॉल एज दी ग्रोथ. टेक अनदर एग्जाम्पल. नाउ ग्रोथ कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व्ड इन प्लांट्स एज वेल. एक पहले जब हम प्लांट ग्रो होता है तो सबसे पहले क्या होता है, वो एक छोटा सा सीड होता है, राइट? फिर उसमें से डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस आते हैं एंड फिर लास्ट में जाके वो एक पेड़ बनता है, देन इट बिकम्स अ प्लांट और ए ट्री. सो दिस इज द ग्रोथ. नाउ लिविंग थिंग्स कैन मूव. जो लिविंग थिंग्स होती है वो मूव करती है. फॉर एग्जाम्पल animals, humans, birds, insects, whatever, they all move because they need food, either they need water or they need shelter. But some of the animals, they also move to breed. Wo log prajanan ke liye bhi move karte hai, like from one place to another. Same way plant also shows some movement. Jo plants hote hai wo bhi मूव करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द टच मी नॉट प्लांट,
और सनफ्लावर जो टच मी नॉट प्लांट है, जब आप उसके लीव्स को टच करते हो तो वो पूरे श्रिंक हो जाते हैं. ओके, सो दिस वे प्लांट शोज मूवमेंट. सेम सनफ्लावर, जो सनफ्लावर होता है, व्हेन द सन राइजेस द फ्लावर फेसेस टुवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन एंड व्हेन द सन सेट्स सो द फ्लावर फेसेस एट द वेस्ट डायरेक्शन. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्लांट्स भी मूव करते हैं. ओके, सो द नेक्स्ट वन इज लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस. जो लिविंग थिंग्स होती है वो रिप्रोड्यूस भी कर सकती है. सो उसमें भी एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स, इंसेक्ट्स, ह्यूमंस, हम सब रिप्रोड्यूस करते हैं, राइट. एनिमल्स दे रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स और दे डायरेक्टली गिव बर्थ टू देयर यंग वंस. एनिमल्स जो होते हैं या तो वो अंडे देते हैं या तो वो डायरेक्टली बर्थ देते हैं यंग वंस को, राइट. देन इन बर्ड्स, फ्रॉग, फिशेस, दे रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स. जो बर्ड्स, फिश और फ्रॉग होते हैं वो अंडे देते हैं. एंड द प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय द सीड्स, राइट. जो प्लांट्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं सीड्स के थ्रू और बाय सम अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. जो दूसरे कोई प्लांट के जो पार्ट्स है उसके थ्रू वो रिप्रोड्यूस करते हैं. एंड ह्यूमंस, ह्यूमंस गिव बर्थ टू देयर यंग वंस. जो ह्यूमंस होते हैं वो क्या करते हैं, अपने यंग वन को बर्थ देते हैं. दिस इज हाउ लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस. नेक्स्ट वन इज रिस्पॉन्ड टू द चेंजेस इन द सराउंडिंग. जो लिविंग थिंग्स होती है वो उसके सराउंडिंग में जो भी चेंजेस हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली वो रिस्पॉन्ड करती है, राइट. सो लिविंग थिंग्स दे ऑल हैव सेंस ऑर्गन्स टू फील. जो लिविंग बींग्स होते हैं उनके अंदर सेंस ऑर्गन्स होते हैं जिसके थ्रू वो हर एक चीज़ को फील कर सकते हैं एंड देन दे रिस्पॉन्ड्स अकॉर्डिंगली, राइट. सो फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमन्स वेन वी फील कोल्ड इन विंटर वी यूज टू वेयर दी स्वेटर. जब हमको विंटर में ठंडी लगती है सो वी कैन फील दैट, राइट. तो हम क्या करते हैं, स्वेटर पहन लेते हैं. सेम वे इन अ डॉग, तो जब कुत्ते को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो वो अपनी जीभ को बाहर निकाल देता है. सो दीज ऑल आर द डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्पॉन्सेज. देन इवन द प्लांट्स, राइट, प्लांट्स भी रिस्पॉन्ड करते हैं. हाउ? सो आई ऑलरेडी गेव यू वन एग्जाम्पल. सो द प्लांट लाइक टच मी नॉट प्लांट, राइट, द मीमोसा प्लांट. टच मी नॉट प्लांट इज ऑल्सो नोन एज द मीमोसा प्लांट. तो जब आप उसको टच करते हो तो वो रिस्पॉन्ड करता है और वो क्या करता है, श्रिंक हो जाता है. सेम वे the sunflower, they also responses according to the sunlight. The next is living things can die. All living things they grow old and die. The living things may live for a short time or for a long time. They have a fixed lifespan. जो living things होती है वो या तो ज़्यादा time के लिए जिंदा रह सकती है या तो फिर कम time के लिए, right? उनका एक specific time होता है. Living things that are not alive, they are dead things. जो living things अब जिंदा नहीं होती है उसको हम dead things बोलते हैं, right? Dead things do not show any features of living thing. तो जो dead things होती है उसमें living things के इनमें से कोई भी features नहीं होते हैं. Now, the next is living things have a life cycle. जो living things होती है उनके एक specific life cycle होता है. Living things they born, they grow and then they die. पैदा होते हैं, बड़े होते हैं और फिर लास्ट में मर जाते हैं, राइट. सो इन दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ द लिविंग थिंग. वी कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ ए बटरफ्लाई. बटरफ्लाई लेज एग, इट हैचेज इनटू कैटरपिलर, राइट. बटरफ्लाई जो होती है वो अंडे देती है, उसमें से कैटरपिलर बनता है. आफ्टर दैट इट give rise to pupa. Pupa is one stage of the life cycle of a butterfly. It is also known as chrysalis. From pupa, there it is converted to the adult butterfly. So these all were the main features of living things, right? ये सारे living things के features थे. So इसका opposite सब कुछ क्या होगा, वो non-living things में जाएगा. If someone asks you that differentiate between living and non-living, so you can write all these things in living things and you just have to add do not. Like non-living things do not need food, non-living things do not breathe, non-living things do not grow, non-living things do not move,
non-living things do not reproduce, non-living things do not respond to the changes, non-living do not die, and non-living do not have a life cycle. So, this way you can differentiate between living and non-living things. Next topic is interdependence of plants and animals, right? Plants and animals, they all are dependent on each other. किसी न किसी रीजन की वजह से वो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हनी बी सक्स नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर एंड इन रिटर्न इट हेल्प्स द फ्लावर टू टर्न इन टू ए सीड. तो जो हनी बी होती है वो फ्लावर के अंदर से नेक्टर सक करती है और उसके बदले में वो क्या करती है, जो फ्लावर होता है उसको एक सीड में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है. मीन्स इट कन्वर्ट्स इट इन टू द फ्रूट एंड दैट फ्रूट इज कंज्यूम्ड बाय अस. हम उस फ्रूट को कंज्यूम करते हैं एंड वी जस्ट थ्रो दी सीड एंड अगेन दैट सीड ग्रोज इन टू ए न्यू प्लांट, राइट? सो हियर यू कैन सी दी इंटरडिपेंडेंस. अनदर एग्जाम्पल इज एनिमल्स एंड प्लांट्स और एनिमल्स एंड ह्यूमन्स. यू कैन टेक एनिमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं. एनिमल्स दे रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड विच इज कंज्यूम्ड बाय द प्लांट्स, राइट, इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो एनिमल्स या जो ह्यूमन्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं कहाँ पे, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में. देन द प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड दैट ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड बाय एनिमल्स और ह्यूमन्स बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. तो जो प्लांट्स होते हैं जब वो फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं एंड दैट ऑक्सीजन वो किसे, कौन कंज्यूम करता है, हम लोग, एनिमल्स या तो फिर ह्यूमंस बाय द मीन्स ऑफ रेस्पिरेशन. जब हम सांस लेते हैं तब व्हाइल डूइंग रेस्पिरेशन वी इनहेल दैट ऑक्सीजन. सो दिस वॉज ऑल इन दिस चैप्टर. हमने इस चैप्टर के अंदर लिविंग नॉन लिविंग के बारे में पढ़ा, लिविंग बींग्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो हमने पढ़ी, द मेन फीचर्स. फिर उसके बाद हम लिविंग को नॉन लिविंग को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे वो हमने देखा. देन वी ऑल्सो सॉ द इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो दिस वॉज ऑल इन दिस चैप्टर. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर एंड लाइक दर वीडियो. सो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड यस, डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड टू प्रेस दी बेल आइकन. थैंक यू.